द लाइव टीवी सच सबसे आगे। दोस्तों, अगर आप हिंदू मुस्लिम डिबेट्स के बारे में जानते हैं तो एक नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो है अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा उन एंकर्स में से एक होंगे जिनके सर्वाधिक डिबेट्स हिंदू मुस्लिम विवाद के आसपास होते हैं और रोजाना उनके शो में कोई ना कोई इस तरह की बातें होती हैं जिससे कि लोग कहें कि ये हम कहाँ आ गए हैं। अब कल जो हुआ है वो शायद टीवी मीडिया के इतिहास में इस स्तर पे कभी नहीं हुआ होगा कि अमन चोपड़ा के एक शो में फिर से हिंदू मुस्लिम इश्यूज पे चर्चा, मुसलमानों को लेकर एक बात कहना और किसी दूसरे पैनलिस्ट का उससे बुरा मानना, और उसके बाद ये हुआ कि वहां पर ऐसी स्थिति बन गई हाथापाई एक एक पुरुष और एक महिला के बीच में और गंदी गंदी गालियां जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सुरेंद्र राजपूत ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है न्यूज 18 के अमन चोपड़ा के आप डिबेट में गोली भी चलवाएंगे क्या? और उसको आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया, तो उसको थोड़ा विस्तार में लिखा है गोविंद प्रताप सिंह ने। ये डिबेट का हाल है, शो अमन चोपड़ा का था, बहसबाजी हुई, गर्मी ऐसी बढ़ी कि महिला पैनलिस्ट और शोएब जमाई के बीच हाथापाई हो गई, कुर्सी फेंक दी गई। अमन चोपड़ा बंद कीजिए ये नौटंकी, राष्ट्रीय टीवी चैनल का क्या हाल बना दिया। अब मैं आपको शो दिखाता हूँ, अगर आप कुछ शो देख लीजिए, उस शो का अंजबाग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए जा 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 आप नहीं 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 इस्लाम का चल निकल यहाँ से। इसको देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि किस स्तर पे ले जाया गया है अब इन शोज को, जिनसे सिर्फ नफरतबाजी फैलाई जा रही है। मुझे लगता है, मुझे हैरानी होती है कि संस्थान भी अमन चोपड़ा जैसे लोगों को क्यों रखते हैं बार बार, या अपने आप में जिस मीडिया हाउस में काम करें उसको बदनाम करने का काम करेंगे। न्यूज 18 और तमाम चैनल्स जो है ये देश के बड़े चैनल्स में से एक हैं, लेकिन इनको नुकसान पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो अमन चोपड़ा जैसे लोग कर रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो लोग लिख रहे हैं मैं आपको सुनाता हूं पढ़ के। गोविंद प्रताप सिंह के ट्वीट को कोट करके संजय शर्मा जी ने लिखा, जो पत्रकार हैं, अब मानिए देश ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने खुद के रहने के लिए मुस्लिम बाहुल्य दुबई में अपना हजारों करोड़ का घर बना लिया है, पर अपने चैनल में इतने नफरत से भरे लोग रख लिए जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। जरा सोचिए, इस आग के कारण कहीं दंगे हो जाएं और बेकसूर मर जाएं तो इस पाप के दोषी आप होंगे या नहीं? मैंने आपको कई बार मंदिरों में जाते हुए देखा है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आग लगाना क्यों चाहते हैं आप? प्यार दीजिए लोगों को, नफरत नहीं। हर एक का यही सवाल है कि आखिर अमन चोपड़ा जैसे लोगों को क्यों रख लिया गया। अमन चोपड़ा की अगर बात करें तो अमन चोपड़ा ने इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले, अल्लामा इकबाल के बारे में आप शब्द बोले। अगर और देखा जाए तो कई बार इन्होंने महात्मा गांधी जी तक की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। इस तरह की फर्जी न्यूज चलाई कि राजस्थान के अंदर इनके ऊपर FIR हुई और ये भागे भागे फिरे। आखिर ये क्या विषय है? आप इनके 50 शोज पिछले देख लीजिएगा, 50 में से 45 तो भारी सांप्रदायिकता से भरे होंगे और 5 जो होंगे वो बीजेपी की तरफ से जवाब होंगे और कांग्रेस पर हमलावर होने का काम होगा। ये पत्रकारिता अगर है तो जो पत्रकार इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर कम से कम बैठे हुए हैं, वो क्या सोचते होंगे अपने आप को लेकर? क्योंकि असली पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं उनको भी ऐसे लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं या अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता है वो इनके ही एक ही चश्मे से सबको देखती है और उससे नुकसान उस बहुसंख्यक वर्ग पत्रकारों का जो है उसको होता है जो वाकई में मेहनत के साथ पत्रकारिता कर रहा है। शम्स तबरेज कासमी ने एक अच्छी बात लिखी है और लिखा है, खुदा करे शोएब जमाई को होश आ जाए और इस घटना से सबक लेते हुए आइंदा टीवी चैनल पर ना जाए। अब आते हैं जो पैनलिस्ट बैठे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि लोग पैनलिस्ट जो बनते हैं उनको पैसा मिलता है। जरूरी नहीं है कि पैसा मिले, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को चमकाने के लिए भी जाते हैं, अपनी छवि को बनाने के लिए भी जाते हैं कि हम बड़े नेता हैं, और शोएब जमाई हो सकता है उनमें से एक हों, क्योंकि जिस तरह की डिबेट्स वो कर रहा है, कई डिबेट्स मैंने भी किए हैं, कई डिबेट्स औरों ने भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस तरह के डिबेट्स का बहिष्कार कर दिया, छोड़ दिया जाना, क्योंकि जब एजेंडा चलाने के लिए डिबेट कराया जाएगा तो आप उसमें अपने ही समाज को बदनाम कराने के लिए जा रहे हैं, अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने समाज को बदनाम करने के लिए। ये कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है आपकी इंडिविजुअल छवि चमकाने की, ये आप खुद सोच सकते हैं।
अगर ये इस तरह के स्तर के ऊपर डिबेट्स हो रहे हैं तो उनका बहिष्कार क्यों नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, जो वाकई में पढ़े लिखे उलमा है उनमें से तो कोई नहीं जाता है। इस तरह के लोग उस वैक्यूम को भर के अपना फायदा उठाने अगर जा रहे हैं तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम इनका बहिष्कार करें या ना करें, ये आपको खुद को तय करना है। लेकिन ऐसे लोग क्या अपने समुदाय को बदनाम करेंगे और अपनी छवि को चमकाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार खड़े होंगे? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। मैं आता हूं अमन चोपड़ा पे वापस। अभी कुछ दिन पहले अमन चोपड़ा जी ने कल या परसों दो दिन पहले अल्लामा इकबाल को बुरा भला कहा, चलिए ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी पर सवालिया निशान खड़ा कर देना, ये कहां तक उचित है? और ये बड़ा विवाद बनना चाहिए और बना नहीं या बना, ये आप जानते हैं। अमन चोपड़ा ने लिखा सोशल ट्विटर के ऊपर, महात्मा गांधी जी की अहिंसावादी सोच की वजह से आजादी डिले हुई, सरकार की सावरकर की चलती तो आजादी जल्दी मिलती। इन्होंने बचने के लिए क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, पर इन्होंने जो अपना शो करा उसमें साफ साफ दिख रहा था जैसे मानो ये कह रहे हो कि अगर गांधी जी की नहीं मानी होती और सावरकर की मानी होती तो हम 1915 या 1920 में आजाद हो जाते। इनको आपत्ति गांधी जी से है, ये बड़ा विषय है। अगर है या ना है तो इनको स्पष्ट करना चाहिए। सावरकर प्रेम जाग सकता है, लेकिन सावरकर प्रेम में गांधी जी के नाम को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाए ये अनुचित है। संदीप सिंह है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, संदीप सिंह ने इसी वीडियो को कोट करके, गांधी की वजह से आजादी में देरी हुई है कहने में दलाल मीडिया को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, मुझे तो अमन चोपड़ा की भारतीयता पर भी शक होता है। इसी पे उपेंद्र कुप्ता पिंडरावाला ने लिखा है, कितना भी दलाली कर ले अमन चोपड़ा, सच्चाई ब्राह्मण ब्राह्मण में फैली हुई है। सच्चाई यही है कि माफी वीर सावरकर ने माफी मांग कर खुद को आजादी के आंदोलन से अलग किया और 60 रुपये महीने ब्रिटिश सरकार से पेंशन लेता रहा। बड़े बड़े हाथी बह गए, गधा पूछ रहा है कितना पानी। इनके शोज की वजह से इन पे फाइन तक लग चुका है। नफरती शो के लिए अमन चोपड़ा के चैनल पर 50,000 का जुर्माना, 50,000 रुपये का जुर्माना NBDSA ने लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तो अपना एक एजेंडा पुश कर रहे हैं और अपने संस्थान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। संस्थान की प्रतिष्ठा दांव पे लगाकर अगर इस तरह की नफरतबाजी का कोई एंकर एजेंडा फैलाए तो मुझे नहीं लगता कि संस्थान को उसको रखना चाहिए। बाकी संस्थान की मर्जी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, जागरूक करके बताइएगा कि हम किस जगह पर आके खड़े हैं कि आज टीवी स्टूडियोज में एक एंकर की वजह से लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, बद्दी बद्दी गालियां देने पर उतारू हैं, और वो सब कुछ उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है जो जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करने वहां पहुंचे हैं उस समुदाय ने उनको कभी भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।